और आपको बता दें कि ट्रैक्टर रैली हिंसा के बाद हरियाणा में हाई अलर्ट है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने हालात की समीक्षा की है। हरियाणा के डीजीपी ने जारी किया है निर्देश। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। दंगाइयों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल पूरी तरह से शांत है। वहां पर पुलिस बल की तैनाती है। प्रदर्शन करने गए सभी किसान गाजीपुर बॉर्डर पर लौट आए हैं। रात में किसानों ने अपनी ट्रॉलियों में आराम किया है। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट अभी तक सस्पेंड है। और गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता रजनीश की इस रिपोर्ट को देखिए। रात के 2 बज रहे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त पूरी तरह से सन्नाटा है। तमाम किसान जो हैं वो सोते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ट्रॉलियों में। आज दिन भर जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर बहुत हिंसक और उग्र आंदोलन हुआ, उसके बाद ये तमाम किसान यहाँ पर लौटे हैं और आराम कर रहे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई गहमा गहमी या कोई गतिविधि नज़र नहीं आ रही है। पूरी तरह शांति इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर देखी जा सकती है। यहाँ तमाम किसान जो हैं वो सो चुके हैं और कोई भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। चारों तरफ सिर्फ ट्रॉलियाँ हैं, ट्रैक्टर हैं और ये छोटे छोटे टेंट जिसके भीतर किसान सो रहे हैं। इस वक्त ये कहा जा सकता है कि गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से शांत है और तमाम तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर बंद हैं। पुलिस की भी चौकसी यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। पुलिस काफ़ी दूर जहाँ पर उनकी बैरिकेडिंग लगी हुई है वहीं पर तैनात हैं और यहाँ बॉर्डर के भीतर जहाँ पर किसान मौजूद हैं वहाँ पर इस वक्त पुलिसकर्मी नजर नहीं आ रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।